हेलो गाइस, वेलकम टू कैसे हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने जो है ऑनलाइन गेम के नए टीडीएस पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पॉलिसी को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर हमने लिए हैं, जिनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे आप इस नई टीडीएस पॉलिसी को बेहतर से समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल कैसे हेल्प पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपने YouTube चैनल पर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये नई टीडीएस पॉलिसी आखिरकार क्या है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसी है 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है, और इसके तहत जो है अब ऑनलाइन गेम में जो भी आपकी नेट विनिंग होगी उसके तहत जो है यहाँ पर 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब आपके डिपॉजिट एंड एंट्री फी को रिमूव करके जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसी को ही नेट विनिंग अमाउंट कहा जाएगा, और सिर्फ उसी अमाउंट पर ही जो है आपको टैक्स देना होगा। टीडीएस इज डिडक्टेड अपॉन ए विड्रॉवल रिक्वेस्ट ओनली, यानी के एमपीएल पर आप जब भी विड्रॉवल रिक्वेस्ट डालोगे तो आपका जो है नेट प्रॉफिट पर टीडीएस डिडक्ट होगा, और जो अमाउंट आप अपने वॉलेट से विड्रॉल नहीं कर रहे हैं उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या एमपीएल आपसे टीडीएस चार्ज कर रहा है? तो गाइस, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जैसे कि आप नॉर्मली टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, तो वैसे ही एमपीएल टीडीएस के बिहाफ पर आपसे पेमेंट डिडक्ट करता है, एंड देन उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है, यानी कि एमपीएल आपका टीडीएस नहीं रखता है। तो गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरा टीडीएस कट गया है, इसका क्या प्रूफ है, मतलब इसका मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? तो गाइस, इसका जवाब है सिंपल सा, आपको जो है एमपीएल प्रो पे अपने पैन कार्ड को और अपने पैन नंबर को अपडेट करना है, और आपका जो है 26AS फॉर्म के अंदर जो है हर क्वार्टर में टीडीएस जो कटा है वो आपका अपडेट हो जाएगा। एमपीएल आपको हर क्वार्टर के बाद एक टीडीएस कटने का सर्टिफिकेट भी देगा, जिसके अंदर जो है आपकी सभी टीडीएस रिडक्शन की डिटेल्स होने वाली है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हर बार जो है विनिंग को विड्रॉल करने पर क्या आपका टीडीएस कटने वाला है? तो गाइस, इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ आपकी नेट विनिंग के ऊपर जो है एक बार टीडीएस कटेगा, उसके बाद जो है दोबारा आपकी विड्रॉल पर ये टीडीएस नहीं कटने वाला है। मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी नेट अर्निंग होने वाली है सिर्फ उस पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि हर विड्रॉल के बाद रिकैलकुलेट होगा। इसको जो है आप स्क्रीन पर जो एक फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है आप उसके जरिए भी समझ सकते हैं। आपके हर फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस एंड कैलकुलेशन जो है 1 अप्रैल को रात को 12 बजे के बाद रीसेट यानी कि अपडेट हो जाएगा, और अगर किसी विड्रॉल के बाद आपके फाइनेंशियल ईयर में नेट लॉस आता है तो आपका जो है टीडीएस अमाउंट अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट विड्रॉल के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ज्यादा टीडीएस भर दूं तो क्या होगा? तो दोस्तों, ये एक स्टेशन में होता है, अगर आपके विड्रॉल सबमिट करने के टाइम पे नेट विनिंग हो पर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप लॉस में हैं, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च रात 12 बजे आपका फाइनल टीडीएस कैलकुलेट होगा। आपके फाइनेंशियल ईयर के नेट विनिंग के आधार पे जब आपका ITR फाइल करेंगे तो आपका पूरा टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा आपकी टैक्सेबल विनिंग पर। अगर किसी स्टेशन में आपका टीडीएस ज्यादा काट लिया जाता है तो आप वो है ITR फिलिंग करके क्लेम कर सकते हैं। एमपीएल आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा जो आपको ITR फिलिंग के टाइम पुश कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई लिमिट है जिस पर टीडीएस अमाउंट लगता है? तो दोस्तों, इनकम एक्ट 1962 के सेक्शन 194BA के अनुसार रियल मनी गेम के टीडीएस का कोई लिमिट नहीं होता। आपके हर विड्रॉल की रिक्वेस्ट पर टीडीएस लगेगा अगर आपने नेट विनिंग पॉजिटिव में है तो। तो दोस्तों, आई होप आपके सारे जो है टीडीएस से रिलेटेड इशू, आपके क्वेश्चन आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गए होंगे, आपको जो है उनका जवाब मिल गया होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आप टीडीएस के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, तो आप जो है अच्छा जो है आप आराम से विनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहिए और सीखते रहिए।